नमस्कार, मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक पीयूष प्रवाह, पाठ संख्या 2, सत्य के प्रयोग, आत्मकथा के अंश, लेखककार मोहनदास करमचंद गांधी। इस पाठ का तीसरा पार्ट जो है वह बलवान से भिड़ंत। इस बलवान से भिड़ंत का तात्पर्य हो गया कि महात्मा गांधी को दक्षिणी अफ्रीका जाने का मौका मिला। वहाँ 1893 के लगभग गए थे और 1914 में वो भारत वापस लौट कर के आए। इतने साल वो दक्षिणी अफ्रीका रहे। दक्षिणी अफ्रीका में वहाँ रंग भेद की नीति थी, गोरे काले का फर्क था। गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पे अत्याचार किया जाता था। गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों पर अत्याचार किया जाता था और वो अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उनको दूर करने का भरसक प्रयास किया। वहाँ के गोरे लोगों को गलती करने पर पुलिस नहीं पकड़ती। पुलिस पकड़ करके अगर जूरी के सामने, जज के सामने पेश भी कर देती थी तो जूरी और जो जज होते थे उनको छोड़ देते थे। उनको भी अपनी नौकरी का, अपने काम में भय लगता था। इतना आतंक उनका था। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी भी उनको कैसे सजा दिलवाते। पुलिस कमिश्नर भी इस बात को फीलिंग करते थे। पुलिस कमिश्नर भी उनकी बातों से परेशान थे। इसलिए महात्मा गांधी से कहा कि आपके सामने कोई भी केस आता है आप पकड़ करके हमारे सामने पेश करें, मैं उनको सजा निश्चित रूप से दिलवाऊंगा। इस तरह से एक बार बहुत गलती करने वाले लोगों को पकड़ाया, क्योंकि उनके बहुत सारे चमचे उनके इर्द गिर्द रहते थे, उनको सूचना देते थे। पकड़ लिए गए, जूरी के सामने पेश किया गया, छोड़ दिया गया। महात्मा गांधी के मन में विचार आया, इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, लेकिन कहा कि तुम कोशिश करो, निश्चित रूप से इनके मन में भय पैदा होगा और ये काम करेंगे। इसी तरह से पकड़ाया, दो को पकड़वाया, एक तो भाग गए, ये पकड़ा गया, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब धीरे धीरे क्या है कि गंदगी साफ हुई। वहाँ क्या है कि भारतीय लोग और चीनी लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। वहाँ के काले लोगों के साथ में तो अत्याचार होता ही था। दक्षिणी अफ्रीका में वहाँ के मूल निवासी तो वो काले लोग ही हैं, लेकिन वहाँ गोरे लोग भी जाकर बस गए हैं। वे गोरे लोग उनके साथ में अत्याचार करते थे। आज भी वहाँ इस तरह की कुछ घटनाएं हो जाती है। वे लोग अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, काले लोगों से नफरत करते हैं। तो देखिए, उस ज़माने में दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी उसको देखने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी ने 1893 से लेकर के 1914 तक वो दक्षिण अफ्रीका रहे। वहाँ वो अपनी वकालत स्थापित करना चाहते थे, वकालत करना चाहते थे, किंतु उनके वकालत ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि वकालत करने के लिए इंसान को झूठ बोलना पड़ता है, ये उनसे होता नहीं था। तो देखिएगा, बलवान से भिड़ंत। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटे। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहान्सीबर्ग में था। मैं ये देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। एशिया जो विभाग वहाँ बना रखा था, वहाँ चीनी और भारतीयों के साथ में अत्याचार होता था, एशिया के लोगों के साथ में अत्याचार होता था। वहाँ उनकी रक्षा नहीं होती थी बल्कि उनका भक्षण होता था। मेरे पास रोज़ शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले सौ सौ पौंड देकर चले आ रहे हैं। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मेरी भी यही भावना थी। यदि ये षडयंत्र दूर न हो, ये बुराई दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। ये ट्रांसवाल जगह थी जहाँ पर महात्मा गांधी रहते थे, जोहान्सबर्ग
जोहान्सबर्ग तो थाना था और ट्रांसवाल के अंदर महात्मा गांधी रहते थे। तो उन्हें कहा अगर मैं इस बुराई को दूर नहीं करूंगा, इस षडांत को दूर नहीं करूंगा, तो मेरा यहाँ बसना, मेरा यहाँ रहना बेकार ही है। मैं चाहे यहाँ रहूँ चाहे न रहूँ। मैं प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास परमाणु का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरे से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। मैंने सोचा है कि हो सकता है कि पुलिस कमिश्नर मेरी बात को नहीं सुनेगा, किंतु उन्होंने मुझे धीरज देकर कहा आप प्रमाण इकट्ठा कीजिए। अर्थात उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और मुझे ये गुनाह करने वाले जितने सारे लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मुझे कहा कि आप प्रमाण इकट्ठा कीजिए, आप प्रमाण इकट्ठा कीजिए। प्रमाण इकट्ठा करने के लिए मुझे कहा, उन्हें प्रमाण इकट्ठा करने के बाद कही। मैं प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास परमाणु का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरे से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। ये पुलिस कमिश्नर भी जानते थे कि यहां गोरे लोगों के द्वारा गोरे लोगों को दंड दिलाना बहुत कठिन है। गोरे लोग अत्याचार करते थे किंतु गोरे लोग उनको दंड नहीं दे पाते थे, क्योंकि जूरी जज उनके होते थे। जज भी उनसे कांप जाते थे और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते थे। इसीलिए गोरे लोग जो अपराधी थे उनको दंड दिलाना बड़ा कठिन था गोरे लोगों के द्वारा। उसने कहा फिर भी हम प्रयत्न तो करें, ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, इस डर से उन्हें न पकड़वाना तो उचित नहीं है। भाई जैसे मान ले जूरी द्वारा छोड़ दिया गया, ऐसी स्थिति में इन अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे तो उससे तो काम और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अर्थात ये अपराधी हैं, इनके अपराध करने की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मानते थे अपराध करने वाला तो अपराधी है ही, बुरा है ही, लेकिन अपराध को सहने वाला व्यक्ति भी बुरा है, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उसका अपराध लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण था। दूसरे अधिकारी भी थे, उनके बारे मुझे पता था, काम ये भी सही नहीं कर रहे, किंतु उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मेरे पास में प्रमाण नहीं थे। इसलिए दो के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतः दो के नाम वारंट निकाले। मेरा आना जाना छिपा रह नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। लोग मुझे देखते थे कि रोजाना मैं पुलिस कमिश्नर के पास जाता रहता हूँ। इन दो अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, ये अधिकारी थे बड़े, इनके छोटे बड़े बहुत सारे जासूस थे। वो जो भी घटना होती थी, जो भी प्रक्रिया होती थी, उस प्रक्रिया की जानकारी उनको ले जाकर दे देते थे। इसलिए वो अपने बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते थे, इस तरह से बचते चले जाते थे। वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुंचाते थे। यहाँ मुझे ये कहना चाहिए कि
उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही नहीं जाते। ये कहना चाहते हैं कि मेरे अकेले के प्रयास से कुछ नहीं हुआ, चीनी लोग और भारतीय लोगों का सहयोग अगर मुझे नहीं मिलता तो ये अधिकारी पकड़े ही नहीं जाते, अर्थात चंगुल से लगातार बसते चले जाते। इन दो में से एक अधिकारी भागा, पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला और प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था, फिर भी दोनों छूट गए। अरे भाई, एक का प्रमाण तो जूरी के पास में पहुंच गया लेकिन फिर भी दोनों छूट गए, क्योंकि वो दोनों अंग्रेज थे और जूरी भी अंग्रेज था, लेकिन कम से कम उनको नौकरी से बर्खास्त तो कर ही दिया। मुझे बड़ी निराशा हुई, पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई कि बेकार है वकालत, मुझे वकालत ही क्योंकि यहाँ तो कोई किसी का कहना मानता नहीं, यहाँ चलती नहीं है वकालत। करने वाला वकालत जो बात करेगा तो जूरी के सामने करेगा, जज के सामने करेगा, किंतु जज ही बिकाऊ हो, जज ही जब कोई निर्णय नहीं ले तो वकील, वहाँ वकालत करने वाला वकील क्या करेगा, क्योंकि निर्णय देने का काम तो जज का होता है, जूरी का होता है। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख न सकी। कहने का मतलब, उन दोनों अधिकारियों का अपराध बहुत ज्यादा हो गया था और वो छूट भी गए, भाग गए थे, किंतु ज़्यादा अपराध होने के कारण सरकार ने उनको हटा दिया, नौकरी से हटा दिया, उनको सरकार नहीं रख सकी। दोनों बर्खास्त हो गए और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत ही बढ़ी। यहाँ के लोगों को, हिंदुस्तानियों का धीरज बंधा, हिम्मत बढ़ी कि इनको निकाल दिया गया। इसका तात्पर्य हुआ अब लोगों को न्याय मिलेगा। यहाँ अन्य लोग जो इस तरह का काम सही नहीं कर रहे उनके विरुद्ध भी अब कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार लोगों की हिम्मत बंधी और उनको आस बंधी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई, अर्थात मेरा काम भी ठीक चलने लगा। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे उनमें बहुत कुछ बचत हुई। ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची, बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर यह कहा जा सकता है कि प्रामाणिक थे, वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। बेईमानी करने वाले रिश्वतखोरी तो अभी भी कर रहे थे, लेकिन अगर किसी के पास में अगर प्रमाण है तो प्रमाण के आधार पर वह अपनी रक्षा कर सकता था, पहले रक्षा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके बाद में लोगों को भय हो गया, डर हो गया। इस तरह की गलतियां करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसकी सजा भी मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था। ये अधिकारी इतने भ्रष्ट थे, इतने गलत थे, फिर भी मेरे मन में व्यक्तिगत तौर पे कोई मैल नहीं था, उनके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का मैल नहीं था। लोग उसके पश्चात महात्मा गांधी से डरने भी लगे और उनको इस बात का आभास हो गया, ये काम करेंगे सही करेंगे, हमारे विरुद्ध कार्रवाई होगी तो गलती की होगी,
हम अगर सही हैं तो हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरे स्वभाव को वे जानते थे और जब उसकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी। अब कोई कंगाल हो जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए और ऐसी स्थिति में मुझे उनकी सहायता करने का अगर मौका मिलता था तो मैं उनकी सहायता भी करता था। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहानसी बर्ग की म्यूनसिपल्टी में नौकरी मिल सकती थी। मैं अगर विरोध नहीं करूँ तो उनको म्यूनसिपल्टी में नौकरी भी मिल जाती। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया, उन्हें नौकरी मिल भी गई। उनका कोई मित्र था और उन्होंने मेरे सामने पेशकश की तो मैंने क्या है उनको नौकरी भी दिलवा दी। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरू के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था उनके विभाग के विरुद्ध लड़ना पड़ता था किंतु मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे। मैं जो कुछ करूँगा सही करूँगा, तीखे शब्द कहने पड़ते थे फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था, इसे मैं उस समय ठीक से जानता नहीं था। मेरा स्वभाव तो उस समय पूर्व ढंग से नहीं पहचानता था कि किस तरह से व्यवस्था होगी। यह तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और ये अहिंसा का एक विशेष अंग है। मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। एक तो मनुष्य, एक उसका काम, उसका कार्य, दो अलग बातें हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले बुरे करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रखनी चाहिए। ये चीज़ समझने में सरल है पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है। सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूं कि जब तक ये अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है। कोई पद्धति है, व्यवस्था है, उसके विरुद्ध झगड़ो, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान ही है। कोई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस व्यवस्था के विरुद्ध लड़े न कि व्यवस्था पक्के विरुद्ध लड़े, क्योंकि वह तो उस व्यवस्था को संभालने वाला है, उसके विरुद्ध आप लड़ाई करेंगे तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था का विरोध कीजिए, गलत है तो न कि व्यवस्था पक्का विरोध करेंगे। व्यवस्था पक्का विरोध करेंगे तो जो हो रहा है वो भी बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा भी है व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़े के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कूची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान है। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियाँ नीत होती, उसके पास पूरी ताकत होती है, शक्ति होती है। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। अगर ऐसा होता है तो व्यवस्थापक को हानि पहुंचेगी, पूरे संसार को हानि पहुंचेगी। अब देखिएगा कि पहले के जमाने में राजा महाराज रहते थे, राजा महाराज की जो व्यवस्था जो ठीक नहीं थी उसका विरोध करना चाहिए था,
न कि राजा का विरोध करना था, क्योंकि राजा उसी नगरी में रह रहे, राजा का विरोध करने से उसका कोई फायदा नहीं है, उसकी व्यवस्था का विरोध करे जिसके कारण वह अपनी व्यवस्था में सुधार करे। ये कहना चाहते हैं कि आप व्यवस्था पक्का विरोध करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप उस व्यवस्था का विरोध कीजिए जो व्यवस्था चल रही है, तो उसमें सुधार हो सकता है। इस तरह से क्या है कि आज आपका ये तीसरा पार्ट, पाठ संख्या 2 का तीसरा पार्ट संपन्न होता है। थैंक यू, ओके, बाय।